हम बहुत खुश हो गए थे क्योंकि हम गांगरिया आ गए हैं, बट अचानक से हमारी खुशी ऐसे झट से छीन ली गई। डिनर करने गए तो खाया नहीं गया हमसे खाना, इतना ठंडा हो रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी हम लोग आज अभी रेडी हैं, हम निकलने वाले थे तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट ही कर देते हैं। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और हम लोग रेडी हैं अपना, यहाँ हमारा डे टू है जोशीमठ में। एंड अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट है गोविंद घाट, फिर वहां से हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी। और अभी पूरा पैक हमने कर लिया है और ये सारे गायब हो गए। तो अभी हमने नए शूज ले लिए, ट्रैकिंग शूज। ये देखो मस्त, क्योंकि मैंने ये देखो अभी से इनमें पानी आ गया था पूरा, और वहाँ तो पूरा पानी होना है। ये वाटरप्रूफ भी हैं और ट्रैकिंग के लिए भी हैं और बढ़िया रेट में मिले हमें। तो अभी हम चलते हैं, पहनते हैं और चलते हैं। चलो, बढ़िया डील मिली हमें सुबह, आंटी ने बहुत अच्छे रेट दिए हैं। बज रहे हैं 7:30 एंड हम स्टिल अभी भी जोशीमठ में हैं क्योंकि हमें गाड़ी नहीं मिल रही है, पता नहीं कब मिलेगी गाड़ी। एंड उसके बाद हमें जाना है गोविंद घाट, फिर वहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी। बट अभी गाड़ी है नहीं, यहाँ लगी है, पता नहीं कब चलेंगी। तो तब तक हम खाएंगे मैगी, यूनिवर्सल खाना जो सबसे जल्दी बनता है। तो मैगी खाने के बाद हम चलेंगे अपनी जगह, तो लेट्स गो। और अभी भैया हमारे लिए मैगी बना रहे हैं। तो हमारी भूख नहीं मिटी मैगी से, अब हम खा रहे हैं राजमा रोटी। और इतनी सस्ती थाली कहीं नहीं मिलेगी, कितने की अंकल बता दो, मजा आएगा। मात्र 10 रुपए की रोटी के हिसाब से मिलती है आपको, 10 रुपए प्लेट देना है, उसका रोटी एड ऑन कराते रहो। अभी हमारा ऑलमोस्ट सारा हो गया है, खाना वाना जो भी करना था। एंड गाड़ी भी आ गई है हमारी। इवन गाड़ी का क्या सीन है, यहाँ जब तक उनकी गाड़ी फुल नहीं होती वो चलते नहीं है। तो हमारे कुछ लोग, हमारी क्या मतलब, कोई टूरिस्ट हैं बाहर से तो वो लोग आ रखे हैं, तो उनके साथ हम लोग जाएंगे। तो अभी हम लोग पूरा प्रिपेयर हैं, तो अब चलते हैं, वी आर सो एक्साइटेड। तो अभी हमने भैया से स्पेशली गाड़ी रुकवा के यहाँ संगम दिखाने के लिए करा है। तो ये अलकनंदा आ रही है माणा से, जो कि इंडिया का लास्ट बॉर्डर है। और ये आ रही है आपकी धौली गंगा, ये पता नहीं कहाँ से आ रही है, कहीं से तो आ रही है। तो बहुत प्यारा सीन है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड धौली गंगा, ये प्यारा सीन आ रहा है। धौली गंगा। तो अभी हम पहले चेक पोस्ट पे आ गए अपने, जो कि है गोविंद घाट, और यहाँ पे मैं रुक के एंट्री करानी है। ये देखो, मतलब पूरे रास्ते में रात को पत्थर गिरे हैं, अभी यहाँ पत्थर उठा रहे हैं, अभी हमें रुकना पड़ा यहाँ पे। पत्थर उठाएंगे फिर हम जाएंगे। अभी हम हमारे दूसरे चेक पॉइंट पे, विच इज पुलना। अब हम यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, अराउंड 7 घंटे की ट्रैकिंग है। ये तो देखो, और हम हालत खराब है वैसे ही, झटके। कैसा लग रहा है आपको, हाउस द जोश? हाय सर। हाय, हाउस द जोश कार्तिक, हेलो। तो अब चलते हैं, हमारी ट्रैकिंग शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम स्टिक्स ले रहे थे, बट हमें ज्यादा वर्थ इट नहीं लगी, तो हमने ये सोचा ये ज़्यादा लेना चाहिए। एक ग्लूकॉन डी, एक ये मेरी छाछ, और एक ये, चलो जल्दी ले लो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रैक, चलो। हमने लाठी ली नहीं, बट एक्चुअली क्या हुआ, एक ऊपर से भैया लोग आ रहे थे, उनका ग्रुप, उन्होंने खुद ही दे दिया हमें, बोला कि काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को इसकी। तो हमने यार, हमने अभी अभी शुरू किया है, पर हालत अभी, हमने अभी अभी जस्ट शुरू ही किया है, पर अभी से हालत खराब हो गई। और एक एक्साइटमेंट था ना कि बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, ये सब, वो एक्साइटमेंट खत्म हो गया क्योंकि ऊपर से जो लोग आ रहे हैं वो लोग बोले कि सारे फूल ही सूख गए हैं। थक गया आप तो, पता नहीं कहाँ कहाँ चल के आए हो, ट्रैकिंग करके आए हो। मैंने कभी दो बैग ही पकड़े ना। तो अभी हमारी हालत खराब हो गई, मैं ब्लॉगिंग तक नहीं कर पा रहा हूँ, कैमरा पकड़ने की हिम्मत ही नहीं है। और ये तो आप थोड़ा ऐसे स्लोप सा है, वरना अभी बहुत ज्यादा चढ़ाई थी।
अपने गाने लगा के मस्त एकदम चल रही है, लोग तो आ भी गए इनमें। We are lucky. Everyone is saying that we are lucky because of the weather. अभी बहुत प्यारा वेदर में आए हम लोग, ऐसा होता नहीं है वरना यहाँ का। और वो महान पुरुष पता नहीं क्या सोचे बैठा है, what he is doing is वो इतनी जल्दी जल्दी जा रहा है और बैठ जा रहा है। ऐसा क्या होगा भाई ऐसा करने से? ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी तो इतनी वेस्ट होगी ना। सब लोग बोलेंगे हम वेदर, और फूल बिल्कुल भी नहीं है, बट हेमकुंड में ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल। यस, हाउस द जोश। इससे डॉगीज के लिए मांगा और अपना खाने लग गया ये। हाय ब्रो। हेलो ब्रो। अंकल जी बना रहे हैं वाले नहीं भूषिकन जी चढ़ाई है अभी खड़ी चढ़ाई। तो काफी चलने के बाद हमने एक पॉइंट ढूंढा जहाँ हम सारी फोटोज क्लिक करेंगे। और ये तो ऊपर भी चढ़िया, देखो ऊपर चढ़िया, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। मैं यहाँ कब के आ गया हूँ और हालत खराब हो गई है। बस मैंने इसमें ग्लूकोन डी डाल के पी रहा हूँ, मजा आ रहा है। मतलब बढ़िया आ रहे हैं भाई साहब। कहाँ इतनी लेट में क्यों? फोटो की चार्ज थी मुंडी और उसकी हालत खराब हो गई केदारनाथ की ट्रैक करने वाले की। कैसा आ गया स्वाद? Thousand years later. सही में बोल रहे हो? इसके बाद वो कह रहे हैं 3 किलोमीटर है, लेकिन 3 किलोमीटर से ज्यादा आया था। 10 तो मत बोलो, 10 तो पूरा बोलते हैं ये लोग। पूरा डिमोटिवेट। 3 किलोमीटर ही है, तो चलना स्ट्रेट है क्या? 4 किलोमीटर। ओ भाई, 4 किलोमीटर ही है। डरो मत, एनर्जी लेकर जाओ। 10 बोल के पहले डरा दिया आपने। हेमकुंड में चलें? जरूर जाना, भले ही वो वैली छोड़ दे। कैंसिल करें? दोनों जगह जाएंगे। कुछ भी नहीं है वैली में। व्यू कैसा है? व्यू भी नहीं है। तो यहाँ प्रसाद मिल रहा है। प्रसाद में क्या मिल रहा है? ये प्रसाद किस चीज का प्रसाद है? ये मंदिर का प्रसाद है भाई। मंदिर का प्रसाद नूडल्स, ये बढ़िया मजा आएगा। पहली बार मैं पहली बार ऐसा ट्राई देख रहा हूँ। ये गया बोलता भैया कितने रुपए प्लेट, और ये प्रसाद निकला। ये नूडल्स यहाँ प्रसाद के रूप में मिलते हैं, फ्री में मिलने का अलग है, फ्री में खाने का मजा ही कुछ और है। क्यों? ये बहुत टेस्टी लग रही है यार। वो तो अभी हम 3 किलोमीटर दूर अपने पॉइंट से, अपने बेस कैंप से 3 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे आज नंदाष्टमी के दिन सॉरी तो कल थी, कल थी, तो कल नंदाष्टमी थी, बट इनका आज मनाया जा रहा है। तो हम यहाँ जाएंगे, हम देख हेलो खाना खा लिया। हेलो आंटी, आज क्या है ये, क्या हो रहा है? नंदाष्टमी तो कल थी शायद। हमारे यहाँ 3 दिन तक होती है। 3 दिन तक होती है। आंटी सारे येल्लो येल्लो के बाद है, पीला पीला सबको। ओ येल्लो इसलिए है। क्या बोलते हैं अंग्रेज़ी में? ढोल ढोल। ढंगाओ किसको कहते हैं? ढोल ढोल दमाओ। ढोल अरे दमाओ। ये जागर में ही बचता रहता है। बहुत सारी चीजें देखी, अब हम भंडारा लगा है। एक और बार पहले एक बार नूडल्स खा लेते। चलो चलो
अभी हम खाना खा के निकल गए और फिर से चढ़ाइयाँ ही चढ़ाइयाँ, ऊंचाइयाँ ही ऊंचाइयाँ, और हालत ही खराब हो गई है। फिर थक गए हैं, अभी हिला नहीं जा रहा है, बिल्कुल बॉडी में ताकत नहीं है, बहुत ठंडा मौसम भी बहुत प्यारा है पर चला नहीं आ रहा है, पाँव ने साथ छोड़ दिया हमारा। और ये बेचारा फोटो खींचते खींचते परेशान हो गया, इसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है फोटो में, कान में फूल बदल बदल के फोटो खिंचवा रही है। और यार क्या ही कह रहे हैं, चला नहीं आ रहा, अब तो पता नहीं कब जाना है, खत्म ही नहीं हो रहा है, ट्रैक शुरू पे हुआ है खत्म नहीं हो रहा। वेलकम बैक, अब हमारी हालत ब्लॉगिंग करने लायक रह नहीं गई है, मेरा मन ही नहीं कर रहा व्लॉगिंग करने का, पता है लिटरली हम 10 बजे अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी, हमने 10 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी एंड अभी बज रहा है 5:30, तो हम एक घंटे से कंटिन्यूसली एक ही चीज़ सुन रहे हैं कि 1.5 किलोमीटर रिमेनिंग है, और कब से वो कितनी देर से वही है, एक घंटे से वही चल रहा है, 1.5 1.5। और अभी जैसे और सरप्राइज तुम तब हुए जब बोलते हैं कि अब 1.5 नहीं अब 2 है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये मैं हूँ, ये हमारा ट्रैक और मेरे बैग्स हैं, और मेरी यहाँ हालत ख़राब हो रही है, ना जाने कब आएगा हमारा पॉइंट, अब ताकत नहीं है यार बिल्कुल भी, मुझे भी नहीं है। जो चीज़ हमें लगी थी वो सही निकली, हम फाइनली आ गए हैं घांगरिया माउंटेन का पूरा वो, और ये देखो यहाँ कैंप्स लगे हैं, बहुत खुशी हो रही है। तो कैसी लगी आपको ट्रैकिंग, है ना? हम बहुत खुश हो गए थे क्योंकि हम घांगरिया आ गए हैं, बट अचानक से हमारी खुशी ऐसे झट से छीन ली गई और हमें बोला गया कि घांगरिया 1 किलोमीटर दूर है। A few moments later, फाइनली हम इतने लंबे ट्रैक करके कंप्लीट करके आ गए हैं, तो अब मेन चीज है होटल ढूंढना क्योंकि हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो गाइस फाइनली हमने होटल ले लिया है, बहुत प्यारा होटल है, देखा आपको होटल 400 में भी मिल जाएंगे पर बहुत अच्छे नहीं है, तो हमने सोचा कंफर्टेबल होटल लेंगे, तो इसलिए थोड़ा हमने हायर रेंज में गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी स्पॉन्सर ये है हमारे साथ, लूट लिया मुझे। और ये देखिए आप हमेशा ट्रैकिंग में आओ तो ट्रैकिंग शूज लिया, चाहे सस्ते ही सही, वरना आपके 5,000 के जूते भी नाइकी के चिथड़ हो जाएंगे। तो देखिए अभी हमारा बंदा फेविक्विक से इनको चिपका रहा है, फेविक्विक से चिपका रहा है, और मैंने लिए थे देखो ये बिल्कुल मस्त अखम यहीं से लिए थे, तो यही होता है अगर आप ट्रिप में आओ तो ट्रैकिंग शूज लाओ, चाहे आप गोल्ड स्टार के ही क्यों ना लाओ। अभी हमारा प्लान था थोड़ा डिनर करके बाहर जाने का, तो हम डिनर करने गए तो खाया नहीं गया हमसे खाना, इतना ठंडा हो रहा है, और ये देखो कैसे रूम गर्म करते हैं। तो गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है, रात को तो ज़्यादा ठंडा बढ़ता जा रहा है, तो हालत ख़राब है, बहुत ठंडा लग रहा है। तो अभी के लिए करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड, पसंद आया तो लाइक कमेंट करना, नए तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे कल नई ट्रैकिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय, ठंडा है भाई साहब बहुत ठंडा है, बाय बाय। चाय हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ठंडी की जगह, ओ भाई साहब कुछ ज्यादा ही ठंडा है भाई।